हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस आज का जो हमारा टॉपिक है ये मेजर प्लेट्यूज ऑफ द वर्ल्ड का टॉपिक हम कवर करने वाले हैं बेसिकली जैसे कि मैंने आपको बताया था मैपिंग ओरिएंटेड जितने भी एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं उससे रिलेटेड वीडियोज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं तो यहाँ पे उसी के क्रम में हमने मेजर प्लेट्यूज कवर किए हुए हैं अगर आपने रिवर्स सिस्टम वाला सीरीज नहीं देखा है तो प्लीज उसको देखिएगा उसको मैं कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगी तो वहां जाके आप पूरा रिवर्स सीरीज भी देख सकते हैं और इसके अतिरिक्त आप जो भी चाहते हैं वो भी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए ताकि हमें पता चले कि कहाँ पर आपको जरूरत है मेहनत करने की तो स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो सबसे पहले प्लेट्यूज के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर प्लेट्यूज जो होते हैं ये किससे मिलकर बने होते हैं तो ये एक अर्थ का जो क्रस्ट आपने देखा होगा जब लावा निकलता है अर्थ से तो उससे कुछ क्रस्ट जो स्मैश बाहर निकलता है वो जब मेल्ट होता है और फिर बैकवर्ड जाने लगता है तो वो वहां पर जब जाके सूख जाता है तो ये हमारा क्या क्रिएट करता है प्लेट्यूज क्रिएट करता है बेसिकली अगर मैं प्लेट्यूज की बात करूंगी तो जहां पर भी माउंटेन रेंजेस होंगी उसके पास में आपको प्लेट्यूज देखने के लिए मिलेंगे तो बेसिकली जो टर्म है प्लेट्यूज इसको हम क्या बोल सकते हैं अपलैंड विच हैज एट लास्ट एटलीस्ट वन साइड ऑफ वेरी स्टीप स्लोप है ना तो एक साइड हो सकता है ऐसा हो और एक साइड बिल्कुल स्टीप स्लोप हो तो दैट इज नोन एज प्लेट्यू ठीक है हमें ध्यान रखना है बेसिकली जहां पर भी प्लेट्यूज होंगे वो रिच होंगे मिनरल्स में वहां पे कोई भी एक मिनरल की बहुत आयात देखने के लिए मिलेगी कहीं आयरन की बहुत आयत देखने के लिए मिलेगी कहीं आपको कॉपर की देखने मिलेगी तो इस तरह से आपको देखने के लिए मिल जाएगा तो सबसे पहला प्लेट्यू जो है यहाँ पर आपको मिलेगा कोलोराइडो प्लेट्यू कोलोराइडो प्लेट्यू जो है ये कहाँ देखने के लिए मिलेगा तो उटाह एरिजोना एंड न्यू मैक्सिको अब जैसे ही मैंने यहाँ पे न्यू मैक्सिको बोला है आपको तुरंत क्लिक हो जाना चाहिए मैंने किस कॉन्टिनेंट की बात करी है तो यहाँ पर किस कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं हम नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं यहां पर आपको कोलोराडो रिवर भी देखने के लिए मिल जाएगी और ग्रैंड कैनियन जो जगह है यहाँ से ये यह डिवाइड करता हुआ जाता है ये लार्जेस्ट प्लेट्यू है अमेरिका का इसलिए आपको पता होना चाहिए एलिवेशन इसका नहीं पूछा जाता है ये एक इंटर माउंटेन प्लेट्यू है मतलब कि यहाँ पर अलग अलग तरह से मतलब कहना चाहिए एक माउंटेन से ही बना हुआ प्लेट्यू है तो ऐसा आप इसको समझ सकते हैं ठीक है यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो ये प्लेट्यू जो है कि ग्राउंड वाटर के लिए बहुत ज्यादा फेमस है जो एक पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट करता है जिसके कारण से कि स्प्रिंग जनरेट होती है जिसको हम बोलते हैं आर्टिशियन बेल्स ठीक है Bells, यहां पर मैं आपको मैप में दिखा देती हूँ हमने ऊटाह की बात करी हमने कोलेराइडो इसी की बात करी हमने एरिजोना की बात करी हमने न्यू मैक्सिको की बात करी और ये कौन सी रेंज है तो ये रॉकी माउंटेन रेंज आपको देखने के लिए मिल जाएगी जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था माउंटेन रेंज के पास में ही आपको प्लेट्यू देखने के लिए मिलेंगे तो ये माउंटेन रेंज के पास में कोलोराडो प्लेट्यू आपको देखने के लिए मिल जाता है ठीक है आगे मूव ऑन करते हैं कोलंबिया प्लेट्यू की तरफ तो ये कोलम्बिया प्लेट्यू कहाँ पर लोकेटेड है तो वॉशिंगटन ऑरिगन एंड इदाहो स्टेट्स ऑफ यूएस अभी हम पहले नॉर्थ अमेरिका कंप्लीट करेंगे फिर हम धीरे धीरे साउथ अमेरिका की तरफ मूव करेंगे यूरोप एशिया अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया ऐसे हम इसको कवर करेंगे ठीक है तो यहाँ पर आप देखेंगे कैस्केड रेंज जनरेट होती है एक के बाद एक सराउंडेड रहेगा और रॉकी माउंटेन के पास में आपको ये देखने के लिए मिलेगा ये भी कोलंबिया रिवर यहाँ से भी आपको बहती हुई दिखी जाएगी बेसिकली यहाँ पर बेसॉल्ट लावा से बना हुआ है फ्लड बेसॉल्ट प्लेट्यूबी से कहा जाता है तो ये देख लीजिए कोलंबिया प्लेट्यू आपको देखने के लिए मिल जाएगा मैंने अभी बताया आपको कौन से माउंटेन के पास में है तो रॉकी माउंटेन के पास में आपको देखने के लिए मिल जाएगा ठीक है नेक्स्ट है जाता है हमारा एप्लांसियन प्लेट्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अप्लांसियन माउंटेन के पास में आपको ये देखने के लिए मिलेगा अगेन यूनाइटेड स्टेट्स में आपको देखने के लिए मिल जाता है और ये स्ट्रेच कहाँ तक होता है तो न्यूयॉर्क से आलाबामा तक आपको इसका स्ट्रेच देखने के लिए मिल जाएगा यहाँ पर अगर मैं इसको आपको मैप में दिखा देती हूँ तो ये देखिए अप्लांसियन प्लेट्यू है यहाँ पर छोटे छोटे बहुत सारे प्लेट्यूज क्रिएट होते हैं एक दो और मैं आपको बताऊंगी अभी तो देख सकते हैं इस तरह से ये माउंटेन रेंज है अपलांसियन की और उसके पास में आपको अप्लानसियन प्लेट्यू देखने के लिए मिलेगा नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास पैडमाउंट प्लेट्यू तो पैडमाउंट प्लेट्यू भी अगेन यूनाइटेड स्टेट्स में आपको देखने के लिए मिल जाएगा और ये कहाँ पर आपको लार्जन एप्लांसियन डिवीजन को शो करता है ये भी वही देखिए अप्लांसियन के पास में आपको पैडमाउंट देखने के लिए मिल जाता है ठीक है नेक्स्ट आता है हमारे पास लॉरेशियन प्लेट्यू अब लॉरेशियन प्लेट्यू हमारे कैनेडा की तरफ आ जाता है कैनेडियन शील्ड में आता है आपने कर कर्व पढ़ा होगा अगर आपने जोग्राफी में पढ़ा है तो, तो लॉरेशियन टैटी उसी की तर्ज पर यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा आयन और यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी का मिलेगा ठीक है ये देख लीजिए लॉरिशियन टैट्यू मैंने आपको बता दिया है इसी के साथ अगर मैंने कैनेडा आपको दिखाया था मैंने हटसन बे पढ़ाई थी मैंने एक स्ट्रेट भी पढ़ाई है आपको मैंने ग्रीनलैंड और आइसलैंड के बीच की स्ट्रेट आपको पढ़ाई है जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए कौन सी वो स्ट्रेट है तो जब ऐसे करते करते आप पढ़ते चलिए तो स्ट्रेट्स भी आपको याद होंगी स्ट्रेट्स की अगेन अगर आपने सीरीज नहीं देखी होगी तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा स्टेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी पढ़ते चलिए ठीक है देन फिर आता है हमारे पास सेंट्रल मैक्सिको प्लेट्यू ये भी इंपॉर्टेंट है ये मैक्सिकन एल्टी प्लानो भी इसे कहा जाता है और ये लार्ज एरिड टू सेमी एरिड प्लेट्यू है और सेंट्रल मैक्सिको कवर करता है यूएस के साथ बॉर्डर बनाता है ये कहीं ना कहीं यहाँ पे तीन बेसिक चीजें सराउंडेड रहती वो आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी चीजें हैं एक तो ट्रांस मैक्सिकन वॉल्केनिक बेल्ट आपको दिखेगा फिर उसके बाद सियरा मैद्रे ऑक्सीडेंटल और... एंड सियरा मैड्रे ओरिएंटल ये दोनों आपको देखने के लिए मिलेंगे देख लीजिए ये देखिए सियरा मैड्रे ऑक्सीडेंटल एंड ओरिएंटल ये मैक्सिकन प्लेट्यू है और यहाँ पर डल सर भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा ठीक है ये दिख रहा है हमारे पास मैक्सिकन प्लेट्यू ओके okay. होप आपको वीडियो वीडियो समझ में आ रहा होगा वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना देन वी भूलेव एलटी प्लान्यू ये आपको कहां देखने के लिए मिलेगा ये आपको एंडीज के पास में तो हमारा नॉर्थ अमेरिका हमने कर लिया है कवर अब हम मूव कर रहे हैं साउथ अमेरिका पे तो देखिए बिना टिकट के आपको सवारी कराई जा रही है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट घुमा दिया है अब हम साउथ अमेरिका में पहुंच गए यहां पर अगर मैं बात करूं तो टिन रिजर्व बहुत ज्यादा मिलते हैं और वही अगेन कौन सा माउंटेन है एंडीज के पास में आपको देखने के लिए मिलेगा बोलीविया की जो कैपिटल है लापाज और आ, स्यूकर करके वहां पर आपको ये देखने के लिए मिलेगा देख लीजिए ये बोलीविया है बोलीविया के पास यहाँ पर आपको एलटी प्लानो देखने के लिए मिल जाता है नेक्स्ट आपका आता है गुएना हाइसलैंड तो गुएना भी हाईलैंड आपको कहाँ देखने के लिए मिलेगा गुएना शील्ड में देखने के लिए मिलेगा ये भी साउथ अमेरिका में ही आता है यहाँ पे थ्री क्रैटन ये क्रिएट करता है साउथ अमेरिका के उसमें से एक है गुएना शील्ड है ना बाकी थ्री में तो एक तो मैंने आपको बताई दिया दूसरा मैं आपको आगे बता ही रही हूँ तो फिक्र करने की जरूरत नहीं है तो ये आ गया हमारा गुएना आपको पता बताइए कहाँ पर अवस्थित है तो यहाँ पर आपको ये प्लेट्यू देखने के लिए मिलेगा फिर आ जाता है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा ब्राजीलियन हाईलैंड ब्राजीलियन हाईलैंड बेसिकली ब्राजील का बहुत ज्यादा पोर्शन कंटेन करता है uh, अगर मैं बात करूं तो हाफ ऑफ द कंट्री अप्रोक्सीमेटली इसी में आ जाती है तो ये आपको पता होना चाहिए इंपॉर्टेंट है ये इसके कौन कौन से तीन पार्ट्स में डिवाइड करता है अटलांटिक प्लेट्यू में सदर्न uh, प्लेट्यू में और सेंट्रल प्लेट्यू में किसके अंतर्गत क्या आता है इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है ठीक है जो इंपॉर्टेंट चीजें वो मैं बताते चल रही हूँ बाकी बहुत सारी चीजें मैंने यहाँ पे मैंशन कर दी हैं तो आप लोग देख लीजिएगा आप लोगों को uh, मेरे हिसाब से जो भी इम्पोर्टेंट है वो मैं बताती रही हूँ ठीक है तो यहाँ पर एक एक चीज ध्यान रखेंगे यहाँ पे इसको पर्पल लैंड भी कहा जाता है जो हमारा सदन टैट होता है क्योंकि बेसोल्टिक लावा जो निकलता है वो फर्टाइल ग्राउंड बनाता है जिसको हम पर्पल लैंड कहते हैं ठीक है थीके? इसके अतिरिक्त तो, यहाँ पर रेन फॉरेस्ट एटलांटिक रेन फॉरेस्ट है वाइल्ड ऑक्रेशियन हाई फॉरेस्ट एंड कोरैडो ग्रास लैंड टुक अप फॉर द रेस्ट ये भी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी ठीक ये बहुत ज्यादा नहीं था जो भी इंपॉर्टेंट था मैंने बताया ठीक है तो ये ब्राजीलियन हाईलैंड देखने के लिए मिलेगा इसका बहुत ज्यादा पोर्शन फिफ्टी प्लस परसेंट से ज्यादा पोर्शन आपको ब्राजीलियन हाईलैंड ही कवर करता है नेक्स्ट पहुंच जाते हैं पैटागोनियन हाईलैंड्स पे तो पैटागोनिया आपको अगेन कहाँ देखने के लिए मिलेगा साउथ अमेरिका में अर्जेंटीना एंड जिले के पास है ना तो यहाँ पर पेडमाउंट प्लेट्यू भी इसके पोर्शन में लाया करता है और ये रीजन किसके लिए शीप रियरिंग के लिए बहुत फेमस है ठीक है तो देख लीजिए यहाँ पर पैटागोनिया आपको देखने के लिए मिल जाएगा पैटागोनिया का पठार आप लोगों ने पढ़ा होगा वही है ये देन उसके बाद सेंट्रल मैसिव का पठार है मैसिव सेंट्रल हाईलैंड रीजन में आता है बेसिकली सदर्न फ्रांस में आता है 15% परसेंट लैंड फ्रांस को कवर करता है और ये ग्रेप्स के कल्टीवेशन के लिए इंपॉर्टेंट है इसीलिए आपको पता होना चाहिए ठीक है नेक्स्ट आ जाता है मिसाटा मिसाटा भी uh, कह, कह सकते हैं एक जोग्राफिकल यूनिट है

चूंकि यूक्रेन चर्चा में था इसलिए मैंने ये कंसीडर कर लिया है कि अगर पूछ लिया कहां पर है तो बस इतना ही पूछेगा रोमानिया में है इट इसके अतिरिक्त कुछ नहीं पूछेगा नेबरिंग कंट्रीज पढ़ लीजिएगा हंगरी है सर्बिया है बुल्गारिया है यूक्रेन है एंड मालडोवा रिपब्लिक है ठीक देन उसके बाद हार्डन uh, हार्डेंजर विद प्लेट्यू हार्डेंजर विदा प्लेट्यू हार जो है ये आपको यूरोप में देखने के लिए मिल जाएगा तो दो कॉन्टिनेंट्स मैंने घुमा दिए हैं आपको हम हम यूरोप की तरफ मूव कर रहे हैं यहाँ पर बहुत ज्यादा आपको हाई लेवल के प्लेट्यूज नहीं मिलेंगे दो चार है वो बस हम पढ़ेंगे तो ये आपको ऑस्लो के पास में देखने के लिए मिलेगा नॉर्वे बेसिकली वहां पर आपको मिलेगा लार्जेस्ट ग्लेशियर है तो ये एक तरह का प्लेट्यू है जो की लार्जेस्ट ग्लेशियर है इसलिए इसका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है नेक्स्ट आ जाता है सेंट्रल रशियन अपलैंड अब रशिया की बात कर रहे हैं तो रशिया का जो पोर्शन यूरोप में आता है बेसिकली उसकी हम बात कर रहे हैं यहां पर इसको हम कलच अपलैंड भी कहते हैं ठीक है ये देख लीजिए रशिया अपने आप में बहुत सॉरी वास्ट है तो पता होना चाहिए तिब्बतन प्लेट्यू बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हाइएस्ट लार्जेस्ट एंड मोस्ट फेमस प्लेट्यू इन द वर्ल्ड कहां पर लोकेटेड है तिब्बत चाइना और इंडिया कुछ पोर्शन पाकिस्तान का भी कवर करता है बेसिकली uh, किसके कारण बना हुआ है तो ये कोलिजन है किसका इंडो ऑस्ट्रेलियन एंड टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने से बना हुआ है ये जो रेंज है ये दो माउंटेन्स uh, के बीच से सराउंडेड है एक है कुल्लुन रेंज और एक है काराकोरम रेंज ठीक है ये मैंने आपको बता दिया है देखिए ये क्यों बेटन है पाकिस्तान का भी कुछ पोर्शन इसमें कंसीडर आता है नेपाल भूटान है ना इंडिया का पोर्शन चाइना का पोर्शन कंसीडर करते हैं फिर आता है मंगोलियन टैटियो तो मंगोल एम्पायर आपने पढ़ा है उससे रिलेटेड है मंगोल में ही देखने के लिए मिल जाएगा यहाँ पर आपको ध्यान रखना है किससे बाउंडेड है तो ग्रेटर हिंगन माउंटेन ईस्ट में है यिन माउंटेन साउथ में है और अल्ताई माउंटेन वेस्ट में है और सयान माउंटेन आपको नॉर्थ में मिलेगा यहाँ पर एक फेमस है गोबी डेजर्ट ये आप लोगों को पता होना चाहिए यहाँ पर आपको लोवेस्ट पॉइंट मिलेगा हुलुन ब्यूर में और हाईएस्ट पॉइंट मिलेगा अल्ताई में ये ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है ठीक है मंगोल में हमने पढ़ पढ़ लिया है मंगोलियन में और यहां पर गोबी डेजर्ट मैंने आपको बता दी नेक्स्ट वी है सेंट्रल साइबेरियन टेट्रू तो जब भी साइबेरिया बोले तो क्या ध्यान आना चाहिए हम किसकी बात कर रहे हैं रशिया की बात कर रहे हैं ये है ग्रेट पार्ट ऑफ सेंट्रल साइबेरियन बिटवीन येन्सी एंड लीना रिवर इन दोनों रिवर्स के बीच में मिलेगा अगेन कौन कौन सी माउंटेन रेंजेस आएंगी तो अल्ताई आ जाएगा सलेर रेंज आ जाएगा कुजनेस अल्ताऊ जाएगा वेस्टर्न सियान माउंटेन आ जाएगा अदर माउंटेन तुवा मिलेगा आपको यहाँ पर और बैकाल माउंटेन मिलेगा बैकाल रेंज तो इम्पोर्टेंट है ठीक है ना तो इस तरह से आपको यहाँ पर जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको बताते चलती हूँ ठीक है ये देख लीजिए सेंट्रल साइबेरियन प्लेट्यू ये भी रशिया का बहुत बड़ा पोर्शन कंसीडर करता है कवर करता है तो ये भी आपको पता होना चाहिए नेक्स्ट भी है दक्कन प्लेट्यू इंडिया की बात हो रही है भाई वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के बीच में आपको दक्कन प्लेट्यू मिलेगा और लार्जेस्ट वॉल्कैनिक फीचर ऑफ अर्थ ये शो करता है यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर मिनरल्स की जगह फॉजल्स बहुत ज्यादा मिलते हैं मिनरल्स भी मिलते हैं लेकिन यूनिक फॉजल्स मिलते हैं मिनरल्स फॉर एग्जांपल माइका आयरन ये देख लीजिए दक्कन प्लेट्यू है यहाँ से बहुत सारी रिवर्स भी निकल रही हैं और मैंने दक्षिण की नदियां बहुत अच्छे से कवर करी हैं अगर आपने नहीं देखा होगा तो प्लीज वो वीडियो देख लीजिए आपके लिए बनाया मैंने अपने लिए नहीं बनाया है तो प्लीज उस वीडियो को देखिए नेक्स्ट यूनान प्लेट्यू तो युनान प्लेट्यू आपका हाईलैंड रीजन है कहां पर चाइना में अब हम एशिया की तरफ आ गए हैं और एशिया की तरफ बहुत देर पहले आ चुके थे हम उसके बाद भी है शान एक क्रिस्टलाइन मैसेफ है ये म्यांमार के पास आपको देखने के लिए मिलेगा इंडो म्यांमार बॉर्डर बनाता है इर्राविडी रिवर यहाँ से निकलती है अब एक मैंने इर्राविडी फिश आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो जल्दी से बताइए कहाँ मिलती है उसके बारे में मुझे डिटेल चाहिए है यहाँ पर देख लीजिए ये शान प्लेट्यू है आपको म्यांमार के पास देखने के लिए मिल जाएगा नेक्स्ट वी हैव अरेबियन प्लेट्यू तो अरेबियन प्लेट्यू आपको कहाँ देखने के लिए मिलेगा ऑलिगोसिन सब हॉरिजल रीजन में आपको देखने के लिए मिल जाएगा हाफ ऑफ द अरेबियन ये कवर करता है सच आपको नहीं दिख रहा है यहाँ पर लेकिन ये अरेबियन के पास आपको देखने के लिए मिलेगा यहाँ पर मैंने आपको दो स्टेट्स पढ़ाई थी जो कि गल्फ ऑफ जो भी लिखा है पर्शियन गल्फ एंड इसको कवर करता है तो एक स्टेट यहाँ पर है और एक स्टेट मुझे यहाँ पर मैंने आपको पढ़ाई है वो रेड सी और गल्फ ऑफ आदेन को जो कवर करता है जल्दी से मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए अगर नहीं पढ़ा है तो प्लीज जाकर पढ़िए ठीक है देन वी हैव एनाटोलिया प्लेट्यू ये कहाँ पर है एशिया माइनर में आपको देखने के लिए मिलेगा और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बेसिकली याद रखना है कहां पर मिलेगा स्टिग्रिस यूफ्रेटस रिवर जिसकी हम बात क्या कर रहे हैं मॉडर्न टर्की ये याद रखना है मॉडर्न डे टर्की में ये आता है ये देखिए ओके यहाँ पर एंगोरा गोट्स पाई जाती है जो बहुत फेमस है देन वी हैव इथोपियन प्लेट्यू तो नाम से ही समझ में आ रहा है कहां पर आएगा इथियोपिया कहा पहुंच गए अफ्रीका जिबूती ठीक है नेक्स्ट वी हैव ईस्ट अफ्रीकन ये युगांडा और तंजानिया को कवर करता है ये है आपको देखने के लिए मिल रहा है ठीक देन वी हैव अहागर प्लेट्यू ये हॉगर को भी स्प, को स्पेल किया जाता है ये सेंटर ऑफ सहारा में देखने के लिए मिलेगा देखिए सहारा के पास में आपको देखने के लिए मिल जाएगा बेसिकली यहां पर आपको माउंट तहात देखने के लिए मिलेगा ठीक है नेक्स्ट वी हैव कटंगा प्लेट ये इसको शाबा भी कहा जाता है और ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में आपको देखने के लिए मिलेगा कॉपर प्रोडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट वी हैव ऑस्ट्रेलियन शील्ड ऑस्ट्रेलिया की तरफ मूव करते हैं ऑस्ट्रेलिया का लार्जेस्ट ड्रेनेज डिविजन है ऑस्ट्रेलिया का मैंने सारा कुछ पढ़ाए हुए कितने पार्ट्स में डिवाइड है क्या है सब ठीक है उसको नहीं पढ़ा है प्लीज जाकर पढ़िए गो थ्रू कर लीजिए सारी चीजें अच्छे से टाइम मिला है तो उसको यूटिलाइज करिए ताकि ज्यादा अच्छी प्रिपरेशन हो जाए आपकी ठीक है ना ये गुणवाना लैंड का ही एक पार्ट है और ये अगर मैं बात करूँ तो कह कहना चाहिए पोर्चुगल के कम्पेरिटिवली थोड़ा सा छोटा साइज है इसका फ्लैट सैंड स्टोनी डेजर्ट इसको हम बोलते हैं तो ये देखिए मैंने डिवाइड पूरा पड़ता पढ़ाया है आपको कहाँ पर क्या है यहाँ तस्मानिया है यहाँ पे भी एक स्ट्रेट पढ़ाई है मैंने आपको है ना कौन कौन से सी पढ़ते हैं मैंने वो भी पढ़ाया है पढ़ते चलिए ठीक है किम्बर्ले प्लेट्यू की तरफ मूव करते हैं ये आपको वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा इंडियन ओशियन कोस्ट में दिखता है Uh, यहां पर फिज्रॉय रिवर आपको देखने के लिए मिलेगी और ऑर्ड रिवर देखने के लिए मिलेगी यहाँ पे आयरन गोल्ड लेड जिंक सिल्वर डायमंड के भंडार मिलते हैं और अगेन माइनिंग और कैटल रियरिंग के लिए फेमस है ये देखिए ये है किम्बर् ठीक है नेक्स्ट अंटार्कटिक प्लेट्यू अब को कैसे भूल सकते हैं यहां पर भी आपको एक प्लेट्यू देखने के लिए मिलेगा जो कि साउथ पोल और एमिटसन स्कॉट स्टेशन अभी किसका स्कॉट स्टेशन है यूएसए का ठीक है इसको क्या करता है बीस से डिवाइड करने का काम करता है इसको क्रॉस करता हुआ जाता है देन वी हैव पोतोहर देखिए यहाँ पे हम भूल गए थे हमने सबकी बात कर ली हम पाकिस्तान को कैसे भूल सकते हैं तो पाकिस्तान में भी एक पोतोहर प्लेट्यू है नो ऑफेंस लास्ट मेमरीज का नाम किसी ऑफेंस के कारण नहीं लिया हुआ है लास्ट में क्रोडोलॉजिकल ऑर्डर में था तो मैंने एज इट इज इसको दे दिया है नदियां कौन कौन सी आती है तो इंडस रिवर झेलम रिवर आती है यहाँ पे और uh, ये यह देखिए यहाँ पर और भी नदियों के नाम लिखे हुए ठीक है तो ये हमारे प्लेट्यूज यहां पर मेरे हिसाब से मैंने सारे कवर अप कर लिए हैं अगर कुछ भी मिसिंग है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आपके पास इतना मैंने आपको परमिशन दी हुई है कि आप कमेंट सेक्शन में पूछिए कोई डाउट है पहले की वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है पहले की वीडियोस भी देखिए साथ साथ तैयारी करते चलिए और आगे किस चीज का वीडियो चाहते हैं वो भी हमें कॉमेंट सेक्शन में लिख कर बताइए क्योंकि आपके लिए ही वीडियो बना रहे हैं मैं अपने लिए नहीं बना रही हूँ तो आपको जिस चीज की जरूरत है वो मांगिए तो वो हम यहाँ से आपको प्रोवाइड करेंगे ताकि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो सके ठीक है आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए लाइक और सब्सक्राइब करिए थैंक यू सो मच